रांची से देवघर एयरपोर्ट के लिए जल्द हवाई यात्रा शुरू होने वाली है। देवघर के लिए पहली फ्लाइट 27 मार्च को मिलेगी। एयरपोर्ट के निदेशक केएल अग्रवाल ने कहा है कि गोवा व देवघर के लिए रांची एयरपोर्ट से विमान सेवा शुरू होनी है। उनकी यही कोशिश होगी कि जितना अधिक विमान दूसरे राज्यों के लिए वह चालू करवा सके। बता दें कि रांची से देवघर के लिए विमान 27 मार्च से दोपहर 3:25 में रवाना होगी और शाम 4:25 पर पहुंचेगी। दूसरी फ्लाइट 1 जून से दोपहर 12:40 पर रवाना होगी और दोपहर 1:35 पर देवघर पहुंचेगी। देवघर से रांची का सफर मात्र 55 मिनट में पूरा हो जाएगा। इंडिगो ने रांची से देश के विभिन्न शहरों के लिए 20 फ्लाइटों की सूची एयरपोर्ट प्रबंधन को दी है। बता दें कि रांची से गोवा के लिए विमान हर दिन 26 मार्च से शाम 6:45 रवाना होगी और 9:10 में गोवा पहुंचेगी। वहीं रांची से लखनऊ के लिए विमान 28 मार्च से दोपहर 1:40 पर रवाना होगी व 3:00 पहुंचेगी। काफी लंबे समय से रांची और गोवा फ्लाइट की मांग की जा रही थी। रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से 26 मार्च को गोवा के लिए इंडिगो की विमान संख्या 6E2054 नॉन स्टॉप उड़ान भरेगी। रांची एयरपोर्ट से इंडिगो की विमान शाम 6:45 उड़ान भरेगी और गोवा रात 9:10 पहुंचेगी। रांची से गोवा जाने में 2.5 घंटे का समय लगेगा। इसके लिए किराया 5,412 रुपए है। वहीं गोवा से इंडिगो की विमान संख्या 6E232 शाम 3:50 में उड़ान भरेगी और रांची शाम 6:15 पहुंचेगी। इसके लिए किराया 5,755 रुपए है। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।